नोट संकट के बीच पब्लिक को एक और राहत, अब 14 नवंबर की रात तक कर सकेंगे पुराने नोटों से बिलों का पेमेंट। शनिवार रविवार खुले रहेंगे बैंक, एटीएम में भी ज्यादा कैश की उम्मीद। अर्थव्यवस्था में दो दिन में आए 2 लाख करोड़ रुपए, जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से बोले वित्त मंत्री जेटली, नोट बैन की कैबिनेट को भी नहीं थी बना। को लगता है कि पहली बार प्रीमियम बहुत मिला है ईमानदारी पे। भारत और जापान के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर मुहर, दोनों देशों में और भी कई अहम समझौते, मोदी बोले जापान हमारा पुराना और स्वाभाविक साझेदार। एंगेजमेंट टू बिल्ड अ क्लीन एनर्जी। क्या भारत को बदल देनी चाहिए एटमी हथियार का पहले इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी, रक्षा मंत्री पर्रिकर के बयान से छिड़ी बहस, लेकिन विपक्ष पीछे पड़ा खिंचाई करने। देश के 9000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या पर शिकंजा, भगोड़ा घोषित होते ही ईडी ने शुरू की कार्रवाई, जब्त की 1620 करोड़ रुपए की संपत्ति। अमेरिका में हिंसक हुआ नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, पोर्टलैंड और ओरेगन में पथराव और तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस से किया भीड़ को तितर बितर, कई गिरफ्तार।